Good morning, YouTube. Today we are having a ride towards Kathmandu, and day after tomorrow we are having a ride to India, Banaras. So keep watching, keep loving and supporting. All set. And this is my Basanti. Yeah, we're ready for a ride. Here is our club logos, and this is a symbol of Nepal government. So we are ready to move on. So keep watching, keep loving and supporting. Where is my key gone? आजको दिन चाहिँ दामी छ है गाइस. गुड मॉर्निंग. और बोल क्या बोलना चाहे तेरे को. अभी सुबह सुबह उठ के आए हैं सोकर. मेरे दाई ने उठा दिए हैं. बाइक बाइक का आवाज है ना. थोड़ा चेचक कर लें बाइक का. चार ले लिए दुकान का. अभी अभी खोल रहा है क्या. हाँ खोल के देख लें सुबह सुबह.
these four are our bike. Yeah. I'm just only breakfast gonna lago, guys. Right? See you. Cafe 56 ma. This is Cafe 56. I'm going to go to the cafe. I'm going to go to the cafe. Plus, mind freezer. I'm going to go to the breakpoint. Yes. I'm going to go to the cafe. I'm going to go to So only when I'm gonna kill a lot of stuff. Double. Yeah, bull. What under the air? Double. That's what they sweet. Do you subdue? Do you subdue the cable leader? Do you subdue? Do you not charge up the bulls? Bull you a daddy. Ride my ride my neighbor. See, echo over in it. I examine a bit you. Back खोसेको नि थाहा छैन वहाको फेरि विशेष मान्छेलाई ल्या कोसेली ल्याएको बाटामै फालेर हिनेछ त्यै त नि विशेष कोसेली लिएर आको विशेष कोसेली नै झन् बाटामा छोडेर फाल्यो त्यसपछि टिप्नी चाहिँ पछाडी टिप्नी मैले सोधे जानि ला त्यही हो चार शब्द Chicken, 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 chicken,
So marshalling got it from. So I'm not saying you like a it's not race. I'm your message for the letter on the sum by side of message for me. So they were Surakshit Sat Dano, I'm already born. I'm the course. I'm a prayer, sir. You know, so top and the side pins on the tail one is some. And yes, ma, about Bully, Ferry, Amitabana, other briefing Gorzola, Gorzom Pony, Bano, Bano Sar Satpaje, Postpati, I put in Ola, you know. त्यहाँ फेरि हाम्रो रामसिंह ब्रिफिङ गर्छौँ भोलिको हाम्रो गन्तव्य छ मोतिहारी मोतिहारी हामी चाहिँ जान्छौँ तिब्बत लोकमार्गहरू जान्छौँ हेटौँडा छिरेर अनि त्यहाँ लोक उसबाट त्यसपछि मोतिहारीपछि वाराणसी वाराणसीमा दुई दिन हुन्छ हाम्रो कार्यक्रम छ वाराणसीपछि फेरि गोरखपुर गोरखनाथमा हाम्रो सानो कार्यक्रम छ त्यसपछि सुनौली भएर नारायणघाट नारायणघाटपछि पछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो रिक्वेस्ट सबैजना काठमाडौँ फेरि आइदिनु होला किन उहाँको एउटा ठुलो प्रोग्राम छ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ सबै रिक्वेस्ट छ प्लिज तपाईँहरूको लागि गाह्रो हुन्छ फेरि आएर फेरि जानु भने त्यो चाहिँ माइन्ड नगरिदिनुहोस् होला तपाईँको सानो रिक्वेस्ट चाहिँ काठमाडौँमै आएर अलिकति दुःख कष्ट गरिदिनु होला भनेर छ होइन अरू अब यसमा के छ त बिफोर वी गो आई ह्यान्ड माई माइक टु उहाँहरूलाई हाम्रो चाहिँ गुडी ब्याग छ गुडी ब्याग चाहिँ यताबाट छिरौँ होइन गुडी ब्याग लिउँ अनि यताबाट एक्जिट गरौँ है त्यहाँ हुलमुल नगर्ने गरेर अलिकति त्यो गरौँ होइन अरू त्यही हो अब सबै हामीसँग सँगसँगै धेरै साथ गइरहेछन् सो तपाईँलाई त भन्नै पर्दैन अरू केही हाम्रो आई लाइक अब द माइक हाम्रो इन्डियन एम्बेसीको ठुलो हेल्प उहाँलाई सतनजी थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच गुड इभिनिङ फ्रेन्ड्स आई एम सो ह्याप्पी एन्ड सो ग्ल्याड टु बी विथ अल अफ यु मेरा नाम सतेन्द्र दहिया है और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडियन एम्बेसी ने अपने इतने सालों के इतिहास में पहली बार इस तरह की एक बाइक राइड ऑर्गेनाइज़ की है और इसके लिए बहुत बहुत रॉयल एनफील्ड काठमांडू और काठमांडू लेजेंड्स के होल हार्टेड सपोर्ट सहयोग और इतने पॉजिटिव समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता तो इसके लिए मैं एम्बेसी की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं बहुत 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 धन्यवाद है आपका और मेरे साथी एम्बेसी से हम लोग कल हम लोग दो लोग रहेंगे मेरे अलावा मेरे साथी निवास जी हैं एलएस निवास जी आप भी रहेंगे हमारे साथ में और पिछले लगभग एक महीने से हम लोग आज के दिन की तैयारियों में लगे हुए हैं इसके पीछे बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा फाइल वर्क हम उसमें हमने हम लोग लगे हुए थे उसमें और उसी चक्कर में आज भी आने में हम थोड़ा लेट हो गए सो माय अपोलॉजीज फॉर दैट और कल सुबह हमारा जो फ्लैगिंग ऑफ का इवेंट है कल सुबह पशुपतिनाथ मंदिर के दक्षिण द्वार से दक्षिण द्वार ही है ना निवास जो जो हम एयरपोर्ट वाली रोड पर जाते हैं वहाँ से लेफ्ट में रास्ता हाँ ठीक है तो वहाँ पर एक ओपन एरिया है वहाँ पर एक स्टेज है अभी शाम को मैं अभी वहीं जा रहा हूँ और हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म एंड सिविल एविएशन ही इज़ द चीफ गेस्ट टुमारो मॉर्निंग और इसके अलावा कुछ और डिग्निटरीज रहेंगे वहाँ पर पशुपतिनाथ एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट के मूल भट्ट और सेक्रेटरी एंड अदर डिग्निटरीज विल ऑल्सो बी देयर सो टुमारो वी आर प्लानिंग टू रीच देयर बाई 7:30 द इवेंट स्टार्ट्स एट 8 एज सून एज द चीफ गेस्ट अराइव्स और हम लोगों की वहाँ पे लाइनअप का हमने प्लान किया हुआ है वो हम लोग सुबह आके वहाँ पे हम लोग को डिस्कस करके और वो हम लोग अपनी बाइक्स का अरेंज करने का वो कर लेंगे और आई थिंक बाकी तो सारी प्रमोद जी ने आपको रूट वगैरह सब बता ही दिया है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बेसिक इसके पीछे जो थीम हमने रखा है वो थीम हम लोग को हम अगर समझ के जाएँ वैसे तो आप सभी लोग इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने सीजन्ड राइडर्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बस दो तीन बातें मैं बहुत ही शॉर्ट रखना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये कि भारत की आज़ादी के 75 सालों के उपलक्ष्य में एक पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग तो उसके लिए हम लोग ने इस बाइक राइड को हमने रखा है और जो जो उसमें इम्पोर्टेंट जगह आ रही हैं उसमें इंक्लूडिंग मोतिहारी मोतिहारी का कनेक्शन महात्मा गांधी से है पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने मोतिहारी में चंपारण में किया था अगर आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा हो तो वो एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पे गांधी म्यूजियम है गांधी संग्रहालय है वहाँ की अथॉरिटीज़ से हम लोगों ने बात की है हम लोग वहाँ पर जाएंगे और इसके अलावा उसके बाद एज यू नो सारनाथ हम लोग सारनाथ रुकेंगे टू नाइट्स हम लोग सारनाथ रुकेंगे वहाँ पर
आपको पता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो सरमन था, पहला उपदेश वहाँ पर दिया था। और हम लोग वाराणसी जाएंगे, वाराणसी के घाट पर हम लोग अपनी क्लीनलीनेस ड्राइव जो काठमांडू लेजेंड्स और रॉयल एनफील्ड जो हमेशा हम लोग करते हैं, प्लास्टिक या जो भी उसमें गंदगी है वो हम उसमें सफाई करेंगे। वहाँ पर रिसीविंग के लिए हमने यूपी के चीफ मिनिस्टर को बुला हुआ है और अभी तक लेकिन उनका कन्फर्मेशन नहीं आया किसी वजह से, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। और इसके अलावा वहाँ पर एक हमने छोटा सा एक म्यूजिकल इवेंट भी प्लान किया है। आप लोग में से काफ़ी लोग गए होंगे पहले वहाँ पर, तो गंगा नदी के किनारे बहुत सारे घाट हैं और एक वहाँ पर ललिता घाट है जिसका बहुत ही गहरा कनेक्शन नेपाल के साथ है। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं उसके बारे में। पशुपतिनाथ मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, जो डिज़ाइन है, एग्जैक्टली वैसा ही मंदिर एक वाराणसी में है जिसे नेपाली मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे और वहाँ पे हम लोग एक अच्छा सा ग्रुप फोटोग्राफ और कुछ पूजा वगैरह करेंगे। ये वाराणसी का प्लान है। और उसके बाद हम लोग वापसी में गोरखपुर आएंगे। गोरखपुर का भी एक बहुत कनेक्शन है नेपाल और भारत का। गोरखपुर के बाबा गोरखनाथ के जो गुरु हैं वो नेपाल से थे। सो ये सारी जितने भी हमने जगह रखे हुए हैं बहुत ही हिस्टोरिकली, रिलीजियसली, कल्चरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी लाइक अ टीम टुगेदर द नेक्स्ट 6 days एंड आई हैव नो डाउट दैट विल बी स्पेंडिंग सम जॉली गुड टाइम एंड सम स्पेशल अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स टुगेदर। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुगेदर। एंड यस्टरडे जैसे हमने फेसबुक पर सब डाला तो सर मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि देर वॉज अ सच ए पॉजिटिव एंड ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। कम से कम 40 लोगों ने की कॉल आई और उन्होंने फेसबुक पे पूछा कि कैन वी ज्वाइन। सो हमने कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल, अब तो सारा वो फॉर्मेलिटीज़ और वो सब हो गया है। सो वेलकम एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्बेसी ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ रॉयल एनफील्ड एंड काठमांडू लेजेंड्स, लेट्स सेलिब्रेट दिस ओकेजन एंड हैव अ वंडरफुल राइड। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। थैंक यू सरनजी। अब चाहिँ नाउ वी हैव अ स्मल थिंग अनाउंसमेंट तपाईहरुलाई हाम्रो सेरप जीले भन्नुहुन्छ है तपाईको उसमा। थैंक यू गुरुजी, वन्स अगेन वेलकम एभ्रीवन। म चाहिँ भोलिको राइडिङ एथिक्सको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। अहिले यो बुडी ब्यागमा स्टिकर्सहरू छ, त्यहाँनिर एउटा नम्बर छ, यु विल ह्याभ 3 or 4 कपिज अफ द्याट नम्बर होइन, यो रेजिस्ट्रेसन भएको अनुसारले नै यु विल गेट द नम्बर। त्यो नम्बर चाहिँ बाइकमा फ्रन्टमा पछाडि हेलमेटमा जहाँ जहाँ एकदम भिजिबिलिटी भएको ठाउँमा राख्ने, र वेन वी राइड प्लिज स्टे एकर्डिङ टु द्याट सिक्वेन्स होइन, नम्बर अनुसारले वी विल राइड इन वान फायर। बिचबिचमा हाम्रो लेजेन्ड्सको गोफी विल बी इन द फ्रन्ट, रमेश जी विल बी समवेयर इन द मिडल, आई विल बी समवेयर इन द मिडल, लास्टमा हाम्रो रामकृष्णजी छ होइन, हामी 6 जना छ। र कसैको केही प्रब्लम भयो, बाइकमा इस्युजहरू भयो भने जस्ट टर्न अन द साइड लाइट अनि साइडमा पार्क गरेर राखिदिने, हाम्रो सपोर्ट गाडी पछाडि हुन्छ होइन, सपोर्ट गाडीले आएर केही प्रब्लम इस्युजहरू छ भने भनिदिने, उनीहरूले हेल्प गरिदिन्छ। र हामी चाहिँ के गर्छौँ भने ग्रुप राइड गरेर जाँदै गर्दाखेरि कसैको बाइक ब्रेकडाउन भयो भने हामी अलिकति अगाडि गएर वेट गर्छु होइन, आत्तिनु पर्दैन, तर साइड लाइट चाहिँ अन गरेर राखिदिने, अनि यो फ्ल्यागहरूले गर्दाखेरि चिनिहाल्छ हाम्रै ग्रुपको बाइक रहेछ भनेर होइन, सो त्यो सपोर्ट आउँछ। र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ एकदमै फलो गरिदिनुहोस्, तपाईँले जुन नम्बर भेटाउनु भएको छ त्यही सिक्वेन्समै बसिदिनुहोस्, स्पेसली बोर्डरमा हामीले एन्टर गर्दाखेरि पनि स्मुथ एन्ट्री होस्, अब त्यो सिक्वेन्समा नबसेर होइन अलि रफली भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ सायद टाइमहरू लाग्नुसक्छ। अब हाम्रो एम्बेसीको सत्यजीले भन्नुभयो सबै बोर्डरहरूमा इन्फर्मेसन पुगिसकेको छ, यो नामको लिस्टहरू पुगिसकेको छ, र हामी डेस्टिनेसनमा नपुग्नेसम्म कसैले पनि एउटा रिक्वेस्ट, म हामी काठमाडौँ लेजेन्स रोयल एनफिल्ड इन्डियन एम्बेसीको तर्फबाट सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु। आज आउनुभयो
खुद एउटा हो त यार स्टिकर पनि बाइक चाहिँ बराबर बाइक है 11 11 आरि काशी बनारस मौसम मोटरसाइकल रैली ए हो गाइज होइन सामानहरू चाहिँ यति नै पाएको छ अहिले. Keep watching.